हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पाटीदार फ्रॉम प्लेटिनम स्टडी क्लासेस। टुडेज टॉपिक इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस और चेंज ऑफ स्टेट, है ना। तो पहले हम देखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, है ना। यहाँ पर लिखी हुई थ्योरी आप देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ प्रोसेस। वी कैन चेंज इट्स फॉर्म ओनली वर्क टू हीट और हीट टू वर्क। सो देयरफॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ बोलता है कि एनर्जी को ना तो हम जनरेट कर सकते हैं, न एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम सिर्फ एनर्जी का फॉर्म चेंज कर सकते हैं, वर्क से हीट में एंड हीट टू वर्क, है ना। तो हम बोलते हैं कि ट्रांजिएंट फॉर्म, वर्क एंड हीट ट्रांजिएंट फॉर्म में होते हैं, हम इनका कन्वर्सन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थ्योरी। तो और हम न तो एनर्जी को बना सकते हैं, न एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ पर आप थ्योरी तो देख ही सकते हैं उसकी, मतलब जो स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ का, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर गोइंग अ साइकिल, आपको देखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर गोइंग अ साइकिल। तो अंडर गोइंग अ साइकिल इसके हिसाब से क्या हो है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर गोइंग अ साइकिल, जब किसी साइकिल को परफॉर्म करेगा तो उस हिसाब से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा? तो जब किसी साइकिल को परफॉर्म करे, इसका मतलब जैसे हम यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस ले लें, एक्स एंड वाई एक्सिस, तो साइकिल परफॉर्म कराना है, है ना। आपने कुछ इस तरीके से दिस इज पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, है ना। तो प्रोसेस वन टू टू, प्रोसेस टू टू थ्री, प्रोसेस थ्री टू वन, साइकिल क्या हो गई? वन टू थ्री। तो वन से टू में हम लिखेंगे इसको W, वन टू टू, और हीट क्या होगी? Q, वन टू टू, W, टू टू थ्री, कॉमा हीट टू टू थ्री, थ्री टू वन में W, थ्री टू वन एंड हीट थ्री टू वन, ओके। प्रोसेसेस कौन से प्रोसेसेस हैं? प्रोसेसेस वन टू टू, टू टू थ्री एंड प्रोसेस थ्री टू वन। प्रोसेस वन टू टू, प्रोसेस टू टू थ्री एंड प्रोसेस थ्री टू वन। साइकिल क्या है? साइकिल विल बी वन टू थ्री वन, वाय पाथ ए बी सी ऐसे करके हम ले सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल जो है वो ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर गोइंग अ साइकिल द नेट वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग अ साइकिल will be equals to net heat transfer during the cycle। इसी को मैं sentences के form में लिख देता हूँ। तो net heat transfer, net work transfer का मतलब क्या है? summation, अच्छा ये हमने देख लिया। net work transfer का मतलब क्या है? summation W will be equals to summation Q, heat transfer का summation होगा। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि W 1 to 2 plus work 2 to 3 during the process 2 to 3 plus work during the process 3 to 1, cycle is completed 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1, है ना। अब ये 1 to 2 में work हो रहा है कि heat transfer हो रही है, 2 to 3 में क्या हो रहा है, 3 to 1 में क्या हो रहा है? हो सकता है कि 1 टू 2 में वो हीट सप्लाई हुई हो और 2 टू 3 में हीट रिजेक्ट हुई हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी होगा उसको साइन के साथ यहाँ पर हमें वैल्यू रखना है, तो हमें पता लगेगा
इस इक्वेशन को लिख देंगे, क्यू वन टू टू प्लस क्यू टू टू थ्री प्लस क्यू थ्री टू वन, है ना। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडरगोइंग अ साइकिल, है ना। आप जैसे मान लो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल कुछ बनाते हैं, है ना, ऑटो साइकिल या डीजल साइकिल हम बना लें, तो डीजल साइकिल किस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके की होती हैं डीजल साइकिल, वन टू थ्री, ना वन टू थ्री फोर, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट रिजेक्टेड एट वॉल्यूम कांस्टेंट, ये दोनों आइसेंट्रॉपिक एक्सपांशन, और यह आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन। ये मतलब मैं आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, इसमें आपने इधर जो है भाई वन से टू में कंप्रेशन वर्क हुआ, टू टू थ्री में हीट सप्लाई हुई, थ्री टू फोर में एक्सपांशन वर्क हुआ, फोर टू वन में हीट रिजेक्शन हुआ। जब हम कंप्लीट साइकिल को देखेंगे तो समेशन W विल बी इक्वल टू समेशन Q, ये होगा। अच्छा, इसमें देखें, अगर आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन आइसेंट्रॉपिक एक्सपांशन है, इसका मतलब हीट ट्रांसफर क्या है, जीरो, इसमें हीट ट्रांसफर नहीं होगा। टू टू थ्री में हीट ट्रांसफर होगी, ये टू टू थ्री हीट सप्लाई एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड दिस इज हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये डीजल साइकिल है, एक्चुअली डीजल साइकिल है ना, डीजल साइकिल। तो साइकिल क्या हो गई, साइकिल हो गई वन टू थ्री फोर वन, वन टू थ्री फोर वन, क्लियर होगा, समझ में आया होगा, क्लियर, सिंपल सी बात है। इसको वन टू टू, टू टू थ्री, थ्री टू वन, थ्री टू वन नहीं आएगा, थ्री टू फोर, देन फोर टू वन, तब साइकिल कंप्लीट होगी। कितनी प्रोसेस है, वन टू थ्री फोर, W1 to 2 plus W2 to 3 plus W3 to 4 plus W4 to 1, तो 1 से चले थे 1 पे आ गए, तो वर्क ट्रांसफर इक्वल्स टू हीट ट्रांसफर, है ना। इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगर इस साइकिल को मैं इस इक्वेशन में लिखना चाहूँ, है ना, तो कैसे लिखूँगा, वेन एवर वर्क इज सप्लाइड, कंप्रेशन में हम गैसेस को, कंप्रेशन में इसके बारे में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, है ना, कंप्रेशन में हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं, गैसेस हमारा सिस्टम है, जब आप गैसेस को कंप्रेस करते हो तो वर्क सप्लाइड करते हो, जब वर्क आपको मिलता है तो एक्सपेंशन में वर्क आपको मिलता है, इसलिए पॉजिटिव। ये दोनों तो हो गए पॉजिटिव, और ये कंप्रेशन हो गया नेगेटिव, एक्सपेंशन हो गया पॉजिटिव। हीट सप्लाई, जब हमें हीट मिलेगी तो पॉजिटिव, जब हीट रिजेक्ट होगी सिस्टम से तो नेगेटिव। तो देखा जाए तो टू टू थ्री में कोई वर्क हो रहा है, नहीं, टू टू थ्री में कोई वर्क नहीं होगा, थ्री फोर टू वन में भी कोई वर्क नहीं होगा। तो इसका अगर कोई लिखना चाहे, एक्स्ट्रा है ये, है ना, एक्स्ट्रा। तो मैं लिखूंगा W1 to 2 में माइनस W1 to 2, माइनस W1 to 2, टू टू थ्री में हीट ट्रांसफर, W223 है ना, हीट सप्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर इट विल बी जीरो, है ना, प्लस W324 है ना, पॉजिटिव वर्क होगा, प्लस W421, 421 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, 421 ये भी क्या होगा, जीरो। आइसेंट्रॉपिक है, जब भी आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होगी, आइसेंट्रॉपिक का मतलब D क्रॉस Q विल बी जीरो, हीट ट्रांसफर जीरो, दैट विल बी इक्वल्स टू Q वन टू टू में, Q वन टू टू, और ये वैल्यू क्या है, जीरो, है ना, प्लस जब आप हीट सप्लाई करोगे तो
जब आप हीट सप्लाई करोगे तो सिस्टम के लिए पॉजिटिव, सो प्लस क्यू 223 प्लस क्यू 324, ये अगेन क्या होगा, ज़ीरो, ये अगेन ज़ीरो प्लस, अच्छा जब हीट रिजेक्ट होगी 421 में हीट रिजेक्ट, जिसको ये और डीजल साइकिल पहले से पता है उसके लिए काम का है ये इक्वेशन, है ना। फिर भी एक बार रिवाइज करूँगा मैं, जल्दी से देखें, जब हीट रिजेक्ट होगी तो हीट रिजेक्शन सिस्टम के लिए नेगेटिव, तो माइनस क्यू 421 है ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ है। कुछ समझ में आया, हम पहले करते हैं कंप्रेशन देन हीट सप्लाई देन एक्सपांशन, 1 to 2 इज आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन, देयरफॉर हीट ट्रांसफर विल बी ज़ीरो, और कंप्रेशन हो रहा है, गैसेस को कंप्रेस कर रहे हैं तो वर्क की वैल्यू नेगेटिव, गैसेस को आप कंप्रेस कर रहे हैं। 2 to 3 में हीट सप्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर सिस्टम के लिए क्या होगा, क्यू विल बी पॉजिटिव, है ना। 3 to 4 आइसेंट्रॉपिक एक्सपांशन, एक्सपांशन में वर्क आपको मिलेगा, है ना, और आइसेंट्रॉपिक, आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस है मतलब हीट ट्रांसफर विल बी ज़ीरो, एंट्रॉपी विल कॉन्स्टेंट, हीट ट्रांसफर विल ज़ीरो। देन 4 to 1 हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, देयरफॉर हीट इज टेकन एज नेगेटिव वैल्यू। बस वैसे भी W एक्सपांशन माइनस वर्क ऑफ कंप्रेशन इक्वल्स टू होता है हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन, वहाँ से भी आप देखेंगे तो आपको ये मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू काम की है और ये वैल्यू काम की है, बाकी दो वैल्यू काम की नहीं है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी दो वैल्यू काम की है, ये वैल्यू काम की है और ये वैल्यू काम की है, दो वैल्यू, क्लियर है, तो नोट कर लीजिए आप, है ना। अगला हम देखते हैं इसी में टॉपिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर गोइंग अ प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर गोइंग अ साइकिल, अब हमारा सेकंड टॉपिक है फर्स्ट लॉ के ही अंदर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अंडर गोइंग अ प्रोसेस। प्रोसेस किसको बोलते हैं, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। स्टेट का मतलब क्या है, जब जब प्रॉपर्टी चेंज होगी स्टेट चेंज होगी, और स्टेट चेंज हो रही है दैट मीन्स प्रोसेस, ओके। और इसकी कुछ शॉर्ट थ्योरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए प्रोसेस, आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के लिए एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम क्या बात करते हैं, बोलते हैं कि इफ़ अ सिस्टम अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट कॉल्ड प्रोसेस, ड्यूरिंग विच बोथ हीट एंड वर्क ट्रांसफर इन्वॉल्व, है ना। जब आप स्टेट की बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्टेट यानी प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो उसमें दोनों इन्वॉल्व होगा, हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर, ओके। तो हम ये बोलते हैं कि जो स्टेट है मतलब चेंज ऑफ स्टेट है यानी प्रोसेस के दौरान सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगी, दैट एनर्जी विल नॉट बी हीट, नाइदर बी हीट नॉर वर्क, बट द गिवन द नेम इज इंटरनल एनर्जी। जो एक्यूमलेट होती है सिस्टम के अंदर एनर्जी, हम ये बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस के दौरान हीट और वर्क ट्रांसफर दोनों इन्वॉल्व होंगे, लेकिन सिस्टम के अंदर जो एनर्जी अवेलेबल है वो ना तो हीट का फॉर्म होगा ना वर्क का फॉर्म होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और एनर्जी क्या होगी, हम कुछ इस तरीके से समझे कि कोई सिस्टम है, है ना, दिस इज सिस्टम, इफ क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, जैसे मान लो क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड डब्ल्यू इज द अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम, द नेट एनर्जी एक्यूमलेट विद इन द सिस्टम, नेट एनर्जी स्टोरेज, नेट एनर्जी एक्यूमलेट मतलब इकट्ठी हुई विद इन द सिस्टम, नाइदर बी हीट नॉर बी वर्क, एंड द गिवन द नेम
इंटरनल एनर्जी और टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो क्यू एन डब्ल्यू, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि डी ई चेंज इन एनर्जी इज इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू इसको लिख सकता हूं। तो इसको डी क्रॉस लगा दिया, ये डी क्रॉस का मतलब क्या है, मैं ऐसा क्या करता हूं, लाइन थ्रू डी लिखता हूं, लाइन थ्रू डी मतलब डी के ऊपर एक लाइन बनाता हूं, ये क्या दिखाता है पाथ फंक्शन, डी के ऊपर क्रॉस आपको क्या दिखाता है पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन एंड इन एग्जैक्ट, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल दिखाता है ये, डी के ऊपर जो क्रॉस लगा है ये आपको क्या दिखाता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, है ना, एंड पाथ फंक्शन, क्लियर है। तो हम बात कर रहे थे कि जब किसी सिस्टम को आप हीट दोगे और उससे वर्क लोगे तो सिस्टम के अंदर जो एनर्जी होगी दिस विल नॉट हीट नाइदर बी वर्क, है ना, एंड द गिवन द नेम एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। तो हमने इंटरनल, ये टोटल एनर्जी है ना, एनर्जी, एनर्जी है ना, एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं ई, तो एनर्जी इज द समेशन ऑफ काइनेटिक, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। और अगर इफ, इफ क्या है काइनेटिक एनर्जी, इफ काइनेटिक एनर्जी टेंड्स टू जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी टेंड्स टू जीरो, अगर ये दोनों को हम जीरो कर दें, इसको भी जीरो कर दें और इसको भी जीरो कर दें, तो आपके पास क्या बचती है, टोटल एनर्जी चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी, इसको आई ई है ना, विच इज डिनोटेड बाई यू, इंटरनल एनर्जी यू, एंड दिस विल बी इंटरनल एनर्जी। अगर मैं इसको जीरो कर दूं इस केस में, इफ ये, तो ये हो जाएगा, और इस इक्वेशन में जब आप इसको पुट करोगे तो चेंज इन एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू विल बी इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी क्रॉस डब्ल्यू, डी क्रॉस डब्ल्यू है ना, और इसको मॉडिफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा डी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू डी यू, डी यू डी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू डी यू, डी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी क्रॉस डब्ल्यू, डी डब्ल्यू, एंड दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फॉर प्रोसेस। ये लॉ आपको याद रख लेना है, न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प करेगा, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अंडरगोइंग अ प्रोसेस कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस, डी डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, लिख देता हूं मैं इसको, याद रख लेना है इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अंडर गोइंग अ प्रोसेस। यहाँ कुछ देर के लिए ये थ्योरी गायब करता हूँ मैं, और यहाँ इसको एक्सप्लेन करने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है, विद एग्जाम्पल। जैसे हमने ले लिया दिस इज आवर सिस्टम, है ना, सिस्टम के अंदर सपोज एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी है मान लो, या इंटरनल एनर्जी की हम बात करें, U1, या सिर्फ एनर्जी की बात करें, E एनर्जी इक्वल्स टू, हम इसमें से ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, है ना, इज इक्वेशंस आर वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेसेस। सिंपल सा आपने याद रखना है
कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों के लिए वैलिड है ना, वैलिड फॉर बोथ। लिख देता हूं मैं, ये इक्वेशन भी, दोनों ही इक्वेशन वैलिड है रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए क्या है, सपोज कोई सिस्टम है, इसके अंदर इंटरनल एनर्जी है और एंड दिस एनर्जी इज 10 किलो जूल, 10 किलो जूल की एनर्जी है। अब आपने क्या करा, इसको हीट सप्लाई करी, हीट सप्लाई करी आपने 120 किलो जूल, और आपने इससे क्या करा, वर्क ले लिया, वर्क इज इक्वल्स टू, आपने इससे वर्क ले लिया 60 किलो जूल, ठीक। हम दोनों से इसको प्रूव करेंगे, मतलब चेंज इन एनर्जी क्या होगी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी है ना, ये एग्जांपल है, एग्जांपल है ना, चेंज इन एनर्जी क्या होगी, डी ई इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन एनर्जी होगी कि कितनी एनर्जी इसमें आई और कितनी एनर्जी इसमें गई, एनर्जी में भी इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क और बोथ है ना। ये जो चेंज इन एनर्जी होगी आइदर आइदर क्यू और डब्ल्यू और बोथ दोनों हो सकती हैं, है ना। चलो चेंज इन एनर्जी लिखें, एनर्जी इन, एनर्जी इन माइनस एनर्जी एनर्जी आउट, ठीक। एनर्जी इन देखें, चेंज इन एनर्जी, एनर्जी कितनी एनर्जी इसमें एंटर करी, 120 माइनस, यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल ठीक करने के लिए हम इसको कर दें 50 है ना, 50 किलो जूल, ताकि जैसे 60 और 60 एक जैसे आंसर ना आए। तो एनर्जी इन कितनी हुई, 120, एनर्जी आउट कितनी हुई, 50। चेंज इन एनर्जी आपको क्या मिला, चेंज इन एनर्जी आपको मिल गया दैट इज 70 किलो जूल, 70 किलो जूल। अगर मैं इसको लिखूं E2 माइनस E1 इक्वल्स टू 70 किलो जूल, तो आपको यहां से E1 की वैल्यू रखें दैट इज 10 माइनस E2 इक्वल्स टू 70 किलो जूल, आपको यहां से क्या मिल गया, E2 फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी विल बी 80 किलो जूल विद इन द सिस्टम, जो सिस्टम में बच गई फाइनल एनर्जी। इनका डिफरेंस देखोगे तो 10 आ जाएगा, E1 इज 10, E2 इज 80 है ना, E2 माइनस E1 70 किलो जूल, 70 किलो जूल इसके अंदर रह गई है। अब दूसरा फॉर्म हम देख ले, है ना, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ इस पोर्शन, दूसरा देखो हमने क्या करा, ये तो नॉर्मल हो गया है ना, नॉर्मली हमने जो लॉजिक से कि ये कोई मान लो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कुछ एनर्जी होगी पहले से, हमने 120 किलो जूल एनर्जी सप्लाई करी और 50 किलो जूल की एनर्जी को यूज़ कर लिया इन टर्म्स ऑफ वर्क, है ना। तो हमने देखा कि चेंज इन एनर्जी कितना हुआ सिस्टम के अंदर, 70, 120 आया था 50 निकल गया, तो बचा कितना, 70, ठीक है, चेंज इन एनर्जी 70 है ना। ये हो सकता है इंटरनल एनर्जी फॉर्म में हो, अच्छा यहाँ देखें, फर्स्ट लॉ ऑफ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फॉर प्रोसेस हम डी क्रॉस क्यू इक्वल्स टू DE प्लस डी क्रॉस W भी यूज कर सकते हैं, और डी क्रॉस क्यू डी क्यू इक्वल्स टू DU प्लस DW भी यूज कर सकते हैं,
इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन यूज कर लें, इसको यूज करें. वेन एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम क्यू इज टेकन एज पॉजिटिव वैल्यू. तो हमने इसको पॉजिटिव वैल्यू ले लिया है ना, इसमें क्यू की वैल्यू 120 किलो जूल हीट इज सप्लाइड, तो इसको क्या करेंगे पॉजिटिव, और यहां से वर्क हो रहा है इसलिए ये भी क्या है पॉजिटिव. ठीक, तो इसको लिखूं मैं हीट इज एडेड प्लस 120 किलो जूल इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी प्लस W चेंज इन वर्क दैट इज 50 किलो जूल है ना. तो चेंज इन एनर्जी आपको मिल गई 120 माइनस 50 दैट इज 70 किलो जूल चेंज इन एनर्जी. यहाँ से आप क्लियर कर देख सकते हैं, देखो दोनों आंसर सेम आए हैं, ये भी सेम आया ये भी सेम आया. एक हमने नेचुरल मेथड से निकाला, दूसरा हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस से निकाला, दोनों में सेम आंसर आ गया. अब मैं इसमें एक दो और एलिमेंट ऐड करके देख ले हम इसकी इक्वेशन को है ना, से बिल्कुल सेम कंडीशन है, इसको इरेज करके मैं और ज़्यादा इसको दिखाता हूँ आपको यहाँ पर ऐड करके. ठीक है, अब हम क्या करेंगे एक और एग्जांपल लेते हैं और जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं. मान लो कि Q अमाउंट ऑफ हीट आपने सप्लाई करी थी, W इससे वर्क ले लिया. ठीक है, इसको कह दिया Q1, दिस इज W1 है ना, और आप समझे कि इससे W2 एग्जिट हुआ एंड देट इज 100 किलो जूल. ओके, और यहाँ से Q जो है वो हीट रिजेक्ट हुई दैट इज 200 किलो जूल एंड Q2. देखो Q1, Q2 और सपोज एक और हीट एडिशन हुआ Q3 इज 600 किलो जूल. मतलब हमने दोनों चीज ले ली W भी, और सपोज एक और सिस्टम पे वर्क हुआ W3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 100 किलो जूल. अब हमें ओवरऑल कैलकुलेट करना है इस मेथड वन से और मेथड टू से. ये क्या है मेथड वन, देखा जाए तो दिस इज मेथड वन और ये क्या है मेथड टू. जल्दी से देखें क्या क्या है. चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू कितनी एनर्जी सिस्टम में आ रही है, कितनी एनर्जी सिस्टम में जा रही है. देखें 60 किलो जूल इज इन 600 किलो जूल इन, और क्या इन हो रहा है 100 किलो जूल इन, ये रहा है ना 600 किलो जूल इन प्लस 120 किलो जूल इन द फॉर्म ऑफ हीट, और क्या इन हो रहा है ये तो आउट हो रहा है, और 200 किलो जूल इन, अरे इन वाला लेना है बच्चे, और क्या इन हो रहा है 100 किलो जूल इन. देखो कौन कौन सा इन हुआ, 600 इन, 120 इन, एनर्जी इन है ना, 100 किलो जूल एनर्जी इन एंड माइनस कौन कितनी एनर्जी आउट हो रही है, देखे एनर्जी W2 इज आउट है ना, तो 100 किलो जूल आउट प्लस माइनस बाहर लग जाएगा आउट एंड 200 किलो जूल आउट, और कितनी आउट हो रही है 50 किलो जूल आउट, और कुछ है नहीं है. बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपको क्या मिलेगा 6, 7, 8, 820 किलो जूल इन माइनस आउट कितना 200, 300, 350 तो 470 है ना, 470 देख लेते हैं एक बार.
470 किलो जूल, तो ये चेंज इन एनर्जी। अब इस मेथड से निकाल करके देख लेते हैं, देखें क्या क्या हीट, Q1 देखें, Q1 Q2 Q3 के फॉर्म में है ना। Q1 क्या है, Q1 कितना है, Q1 हीट, वेन एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम, हीट को लेंगे आप पॉजिटिव, जब भी सिस्टम से हीट निकलेगी तो नेगेटिव, वेन एवर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम वर्क इज टेकन एज नेगेटिव, वेन एवर वर्क इज डन बाय द सिस्टम टेकन एज पॉजिटिव। तो पहले हम हीट की सारी वैल्यूज लिखें, हमें चेंज इन एनर्जी निकालना है, तो चेंज इन एनर्जी क्या है हमारे पास, चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू DQ - DW है ना। तो हमने निकालना है चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी इक्वल्स टू हीट की सारी वैल्यूज लिखेंगे 1, 2, 3 के फॉर्म में है ना। 1 पे चले हैं, Q1 हीट इज एडेड टू द सिस्टम देयरफॉर प्लस Q1, दूसरा देखें प्लस Q1, दूसरा देखें Q2 हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव Q2, ओके प्लस Q3 देखें, Q3 हीट इज एडेड टू द सिस्टम देयरफॉर Q विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव Q3 सॉरी ये डायरेक्ट लिखेंगे प्लस Q3 है ना, माइनस ये तो पूरा एक ब्रैकेट हो गया, Q1 Q2 Q3 तीन ही टर्म थी, वर्क की देख लें, वर्क टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, देख लें। W1 कहाँ है, दिस इज W1 हीट इज मतलब वर्क इज डन बाय द सिस्टम, एरो बाहर जा रहा है मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो देयरफॉर इट विल बी पॉजिटिव मतलब हम लिखेंगे प्लस W1 प्लस, देखे जरा दूसरे इसमें, W2 कहाँ है, ये रहा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम देयरफॉर अगेन पॉजिटिव W2 प्लस, तीसरा देखें W3 कहाँ है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम देयरफॉर इट विल बी नेगेटिव W3 ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब चेंज इन एनर्जी सॉल्व करिए, वैल्यू रखें, मैंने ये Q1 Q2 Q3 इसलिए लिखा है कि डायरेक्ट अगर मैं नंबर्स लिख देता तो आपको पता नहीं लगता कि किसकी क्या वैल्यू लिखी, चाहो तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दें है ना। मैं डायरेक्ट आप रख रहा हूँ है ना, Q1 की वैल्यू, Q1 कितना है, कहाँ है Q1, ये रहा 120, Q2 कहाँ है 120 और 200, 120 माइनस 200 प्लस Q3 600 माइनस W की वैल्यू, W1 50 प्लस W2 100 प्लस और W3 दैट इज 100 माइनस 100 है ना। आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको आई थिंक वही वैल्यू मिलेगी, देखते हैं क्या मिलता है। देखो 600 वैल्यू थी, 600 माइनस 200 तो 400 हो गया, 400 प्लस 120 520, तो ये अमाउंट दैट इज इक्वल्स टू 520 माइनस 100 माइनस 100 ये तो कैंसिल आउट हो गया प्लस ये कितना है 50 तो माइनस 50। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा चेंज इन एनर्जी विल बी 470, सेम वैल्यू दैट विल बी 470 किलो जूल। ये किससे आया, मेथड वन और ये किससे आया, मेथड 2।
क्लियर आपको इस एग्जांपल से समझ में आया होगा कि चाहे हम ये मेथड यूज़ करें, चाहे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर प्रोसेस यूज़ करें, लेकिन एक्चुअल में जो कंडीशन है वो आपको जब न्यूमेरिकल करते हो तो ये इक्वेशन इसलिए लगाना होती है कि वर्क डन आप निकालते हैं, जो हमने लेक्चर नंबर 14, 15, 16, 17 में पढ़ा, वहाँ से वर्क डन निकालते हैं और टोटल एनर्जी हम न्यूमेरिकल्स में फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू के भी डेरिवेशन हम आगे करेंगे, तो वहाँ से हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू रखोगे, वर्क ट्रांसफ़र की वैल्यू रखोगे, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी। या फिर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी दी हो, W आप निकाल लेंगे बाय इक्वेशन, तो हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड है, देख लेना, आई थिंक मिस्टेक नहीं होगी, है ना, आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ नोट डाउन।